आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के मतलब टुवर्ड्स आपकी रिएक्टिविटी अरेंज करनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन होता क्या है कि लेट सपोज इट इज एक कोई हम ले लेते हैं कार्बन एटम्स ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका हैलाइड ग्रुप लगा देते हैं, ये है। अगर हम इसकी रिएक्शन कोई न्यूक्लियोफाइल से कराएं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, SN2 में पीछे से अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है वो आपकी इस तरीके से बनेगी, यहाँ पर BR, ये आपका प्रोडक्ट मतलब ये जो है ये फॉर्म हो रहा है और ये आपका टूटने की स्थिति में है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बन जाएगा एक R हो गया, H आपका ये कोई मतलब ये, और ये इस तरीके से आपका एक इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट क्या करेगा, यहाँ से इसको लीप करा के ये आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये हुई आपकी SN2 रिएक्शन, और ठीक है, तो SN2 रिएक्शन होने के बाद आपका क्या, तो ये जो इनकमिंग ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल है ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस कम होगी, यही पॉइंट, जहां पर हिंड्रेंस कम होगी मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी होती है आपकी प्राइमरी की ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन टर्सरी, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी होती है मतलब प्राइमरी एल्केल हैलाइड्स आर जो इनकी रिएक्टिविटी वो ज्यादा होती है। और दूसरी बात इसमें क्या है याद रखना है, जहां पर हिंड्रेंस कम हो मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है वहां पर अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस विल बी लेस। तो ये जो आप हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखेंगे, सो इट इज ऑल आर ये जो है ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, बट दिस इज दी सेकेंडरी। तो इन सब मतलब ये सेकेंडरी है तो इसकी रिएक्टिविटी आपकी बाद में आएगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका। अब ये तीन बचे हैं हमारे पास, इससे ज्यादा तो ये तीन होंगे, अब इनमें कौन होगा जिनमें हिंड्रेंस आपकी कम होगी। सो पहले वाले में आपकी कोई हिंड्रेंस नहीं है तो फर्स्ट की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी। अब सेकंड और थर्ड में आप देखते हैं तो सेकंड में जो आपका BR लगा हुआ है उसके पास में जितना हिंड्रेंस पैदा होता जाएगा उतना ही वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो इसमें और इसमें देखा जाए तो जो आपका CH3 ग्रुप है वो आपका पास जो है BR के जहां मतलब BR मतलब जहां जिस कार्बन पर लगा हुआ है उस पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो उसके पास आपका ये CH3 थर्ड वाले में ज्यादा पास में मतलब इसकी रिएक्टिविटी आपकी कम गई देन दी सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में आपका जो CH3 ग्रुप है वो दूर है मतलब यहां पर जो है हिंड्रेंस आपकी कम है, ठीक है, देन दी दिस। अब इसमें जो फोर्थ वाला है ये तो आपका सेकेंडरी है और सेकेंडरी की वजह से ये भी आपका क्या है हिंड्रेंस आपका इस कार्बन पे ज्यादा हो गया, एक इधर एल्काइल ग्रुप एक इधर और एक हाइड्रोजन, तो क्या करे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आपका फॉलो करेगा, ये ऑर्डर जो है आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।